सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। बहुत बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज देखते हैं कि अचानक से उनके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। वो दवाई रेगुलर लेते हैं, जैसा रूमेटोलोसिस दवाई गठिया का दिया हुआ रहता है वो भी रेगुलर खाते हैं, फिर भी अचानक से एक दो जॉइंट में या मल्टीपल जॉइंट्स में गठिया का दर्द और सूजन बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर। फ्लेयर मतलब अचानक से बीमारी बढ़ जाना, ज़्यादा मात्रा में आ जाना। तो क्यों ये फ्लेयर होता है, क्यों अचानक से बीमारी दवाई लेने के बाद भी बढ़ जाता है, क्या ऐसे कारण हैं जो अचानक से गठिया बढ़ा देता है, तो इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा और बताऊंगा कि क्यों अचानक से आप दवा खाते हैं, आपकी अर्थराइटिस कंट्रोल में रहती है, फिर भी अचानक से कोई बढ़ जाता है गठिया, अचानक से कुछ जोड़ों में क्यों ज़्यादा दर्द आने लगता है, तो जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर बोलते हैं। क्यों रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर होता है, क्या कारण होते हैं, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या क्या कारण होते हैं जो अचानक से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फ्लेयर अप हो जाता है, अचानक से गठिया कुछ जोड़ों में बढ़ जाता है। सो जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है, स्ट्रेस। आजकल हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस चलते हैं, कोई पर्सनल स्ट्रेस होता है, कोई फिजिकल स्ट्रेस होता है, कोई मेंटल स्ट्रेस होता है, या फिर आप प्रोफेशनल स्ट्रेस हैं, जहां काम कर रहे हैं वहां का वर्कलोड ज़्यादा है, या इमोशनल स्ट्रेस होता है, तो बहुत सारा स्ट्रेस हमारे माइंड में चलता है और ये स्ट्रेस देखा गया कि ऑटोइम्यून बीमारियों को, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अचानक से बढ़ा देते हैं। सो स्ट्रेस इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे अचानक से गठिया बढ़ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है वेदर। वेदर कभी कभी आपने देखा होगा कि विंटर्स में खासकर लोगों को गठिया की मात्रा बढ़ जाती है। समर ड्राई हॉट इन्वायरमेंट में अर्थराइटिस बहुत अच्छा कंट्रोल में होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम देखते हैं, सेल्फ मॉडिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। कहने का मतलब मरीज जब बहुत अच्छा रहते हैं, गठिया कंट्रोल में रहता है, तो कभी कुछ दवाइयाँ मिस हो जाती हैं या उनको लगता है अभी गठिया ठीक है तो दवा बंद कर देते हैं, तो अचानक से बढ़ जाता है। तो खुद से अपनी दवाई को कम करना, ज़्यादा करना, वो भी एक सही नहीं होता है और उससे भी गठिया की मात्रा बढ़ जाती है। स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकर हैं तो उससे देखा गया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर आधे घंटे तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न बन जाता है कि अचानक से गठिया बढ़ जाता है। फूड्स, कभी कभी अनहेल्दी फूड्स कुछ खाने से, जो कि मैंने डाइट के बारे में, अनहेल्दी फूड्स के बारे में एक अलग वीडियो में सब कुछ बताया, वो नहीं फॉलो करने से भी गठिया अचानक से फ्लेयर अप हो जाता है। इन्फेक्शंस, बहुत बार कोई वायरल इन्फेक्शन, सीजनल इन्फेक्शन आपको होता है और ये इन्फेक्शन जाके हमारे इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है और ये इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी जो होता है वो अपने हमारे ही बॉडी के जॉइंट्स को डैमेज करने लगता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है कि अर्थराइटिस का फ्लेयर अप या अचानक से गठिया को बढ़ा देते हैं। तो जब भी अचानक से गठिया बढ़ता है तो आपको जोड़ों में दर्द, सूजन या सुबह सुबह बहुत ज़्यादा स्टीफनेस आने लगता है। ये माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड होने से होता है क्या कि आप पेन किलर 2-3 दिन खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर वो बढ़ता नहीं है। लेकिन कभी कभी सीवियर हो जाता है, 2-3 दिन के बाद भी ये गठिया का दर्द, सूजन हमेशा रहता है, दर्द की गोली 3-4 दिन खाने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो इसको हम सीवियर फ्लेयर अप बोलते हैं। तो जब भी आपको सीवियर फ्लेयर अप हो या सूजन दर्द 3 दिन के बाद भी रहे, 2-3 दिन दर्द की गोली खाने से भी ना जाए, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, अपने रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर ये प्रॉब्लम बताना चाहिए कि आपकी बीमारी फ्लेयर अप हो रही है, बढ़ रही है। सो आशा करता हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर अप क्यों बढ़ती है, अचानक से क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं आपको आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में जो भी साइंटिफिक डेटा और फैक्ट्स होता है वो सारे मैं अपने मरीजों के लिए या जो भी आर्थराइटिस के मरीज हैं उनके लिए बनाते रहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।